नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। भारत समेत पूरी दुनिया पर जिस तरह का संकट इस समय देखने को मिल रहा है, उससे निकलने का रास्ता किसी को नहीं सूझ रहा है। एक तो पहले ही भारत कोरोना के कहर से उभर नहीं पा रहा, और ऐसे में अब यह बात सरकारों को और ज़्यादा परेशान कर सकती है कि 14 दिनों के क्वारंटाइन पीरियड भी बीमारी के लक्षण पहचानने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको बताते चलें कि केरल में एक दर्जन मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कोरोना के लक्षण क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद दिखाई दिए हैं। यहाँ यह जानना भी ज़रूरी है कि WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक संदिग्ध मरीजों में 14 दिन के अंदर लक्षण दिखाई दे जाते हैं, मगर अब केरल सरकार ने रिस्क नहीं लेने का फैसला लिया है और क्वारंटाइन पीरियड को 28 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद भी मरीजों की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है कि केरल में एक महिला UAE से 18 मार्च को कन्नूर लौटी थी और उसे घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके बाद अब 16 अप्रैल को उसकी कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही 30 साल का एक युवक भी दुबई से मार्च में लौटा था, 28 दिन बाद वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस सिलसिले में केरल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि उनके पास एक दर्जन ऐसे लोगों की लिस्ट है जो 28 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल WHO की गाइडलाइन कहती है कि COVID-19 से पीड़ित 95% मरीजों में 1 से 14 दिनों के अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन कई मामलों में 24 दिन या 1 महीने बाद भी लक्षण नजर आते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या यह रणनीति देश के बाकी राज्य भी अपनाएंगे। धन्यवाद।